लक्ष्मी का पूजन है। ये देखिए मैं बना रही हूँ, ये जेवर बने हैं माता जी के, अभी और बनेंगे। इसको पतिये बोलते हैं और इसको इस तरीके से ये ऐसे करके इसको ऐसे बनाते हैं। आज महालक्ष्मी की पूजा है और ये आटे के जेवर हैं जिसको हम चांदी के जेवर बोलते हैं, और ये बेसन के जेवर हैं जिनको हम सोने के जेवर बोलते हैं। तो मतलब हम यदि चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि माता हमें ये चीज़ें देती हैं। और ये अठवाइयाँ हैं, और ये मैं जो हूँ ये खुरमे बना रही हूँ, ये खुरमे बना रही हूँ मैं। तो इसको खुरमे बोलते हैं और इसको जो है बतिया बोलते हैं। तो ये 16-16 ये चढ़ते हैं, ये मैं खुरमे बना रही हूँ। दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही तो थक जाती हूँ काम करते करते, और पूरे एक साल में इतना सब बनाया थक गई मैं, आके लेट गई, थक जाती हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती है। लेकिन जो चीज़ भगवान की सौंपी गई है वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो बहुत ज़रूरी है। कढ़ाई ने अपना रूप ले लिया है और ये जेवर मैं जो हूँ फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। ये किचन में हूँ और ये देखिए ये मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है और मैं काम कर रही हूँ। आज भगवान का प्रसाद बना रही हूँ, महालक्ष्मी जी की पूजा है, हाथी पूजा जिसको कहते हैं, हाथी पूजा कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि पांडवों की जो मम्मी थी, माता जी थी, उन्होंने ये पूजा की थी जंगलों में जब उनको वनवास हुआ था, तो तब से ही ये पूजा प्रचलित है। आप लोग इसकी कथा देखिएगा, यूट्यूब में मिल जाएगी या गूगल पे मिल जाएगी। आज ही मेरे पति की तिथि थी और आज ही महालक्ष्मी का व्रत पड़ गया, जो मेरे दिमाग बहुत हिल गया, मैं बस बता नहीं सकती। लेकिन पूजा तो करनी है, इसलिए महालक्ष्मी जी की तैयारी तो पूरी करनी ही पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।